Hey guys, this series has some special episodes. Let's start the first one. शो के स्टार्टिंग में एक लड़की को ओसाका स्कूल में एंट्री लेते हुए दिखाते हैं। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, तभी उसे सारी गर्ल्स हॉस्टल की तरफ भागते हुए दिखती हैं। वह उनके पीछे आती है, सारे बॉयज की एंट्री होती रहती है। नैन बॉस लड़की को क्यूट बताता है और फोन नंबर मांगता है। वह नहीं देती और नैनबा के दोबारा बोलने पर उसे हिट कर देती है। इस सीन को यहीं पर स्टॉप करके एक कॉन्टेस्ट दिखाते हैं जिसका नाम है किंग ऑफ हॉटीज और ये कॉन्टेस्ट मिजुकी के जाने के बाद होता है। कॉन्टेस्ट के लिए सारे बॉयज स्टेज पर आते हैं। सानो भी कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहा है। प्रिंसिपल सारी गर्ल्स से कहती है कि आज वैलेंटाइंस डे है, तुम लोगों को अपने फेवरेट बॉय को चॉकलेट देनी है जिसे हम वोट की तरह यूज करेंगे। जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे वही बनेगा इस साल का किंग ऑफ हॉटीज। कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। सब अपने अपने फेवरेट बॉय के बॉक्स में चॉकलेट्स डालते हैं। नकात्सु कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। हिबारी भी वहां आती है। ऑस्कर कहता है कि डेस्टिनी हमें मिलाना चाहती है। हिबारी उसे रिजेक्ट करके सानो के पास आ जाती है। उसकी चॉकलेट इतनी बड़ी होती है कि बॉक्स के अंदर आती ही नहीं। डायरेक्टर उसकी चॉकलेट रिजेक्ट करके उसे बाहर निकलवा देता है। तनुजी की फियांसे उसे ही चॉकलेट देती है। वह उठकर उसी के साथ चला जाता है। काशियामा की गर्लफ्रेंड काशियामा को देती है। युजिरो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सैकिमे की गर्लफ्रेंड सैकिमे को इमाई की देती है नकात्सु को। नकात्सु सानो से कहता है कि तुम मिजुकी की चॉकलेट का वेट कर रहे होंगे। सानो मना करता है और कहता है कि मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है। नकात्सु पूछता है कि तुम्हें मिजुकी से प्यार कब हुआ। सानो कहता है कि तुम जानकर क्या करोगे। वह कहता है कि मुझे जानना है और पूछता है कि शायद जब मिजुकी का भाई यहाँ आया था। सानो मना कर देता है। वह कहता है कि शायद जब तुमने उसे अमेरिका जाने से रोका था तब। सानो फिर से मना कर देता है। नकात्सु सोचता है कि अगर ये उसे उस दिन जाने से ना रोकता तो आज मिजुकी मेरी होती। और साइड में आकर सोचता है कि आज का टॉपिक है कि सानो को मिजुकी से कब प्यार हुआ। इसने ये भी कहा था कि मिजुकी किसी को भी अपने शोल्डर पर हाथ मत रखने दो। और सोचता है कि मैं तो डिटेक्टिव की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ। फेमस डिटेक्टिव नकात्सु की रीजनिंग के बेस पर सानो को मिजुकी से प्यार एपिसोड 7 और 8 के बीच में हुआ, मतलब समर वेकेशन का लास्ट वीक। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि वह एक लड़की है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि शो का मेन लीड मैं ही हूँ। सानो से उसका बॉक्स देकर चला जाता है। अब दिखाते हैं समर वेकेशन का लास्ट वीक, जब सानो और नकात्सु मिजुकी को जाने से रोक लेते हैं। उसके बाद नकात्सु और मिजुकी रेस्टोरेंट में आते हैं। हिबारी का ग्रुप भी वहीं होता है। मिजुकी पूछती है कि क्या मेरा रुकना ठीक होगा। नकात्सु हाँ कर देता है और कहता है कि समर वेकेशन के लास्ट डे पर हमारा प्रैक्टिस मैच है, तुम देखने आ जाना। इमाई की कहती है कि इसने मुझे नहीं कहा। नकात्सु कह देता है कि अगर तुम नहीं भी आओगी तो भी चलेगा। मिजुकी कहती है कि मैं आऊंगा। नकात्सु कहता है कि तुम्हारे लिए मैं ये गेम जीतूंगा। इमाई की फिर से कहती है कि क्या ये इसके लिए करेगा। नकात्सु उसकी बात सुनकर कह देता है कि मैं सबके लिए जीतूंगा। मिजुकी पूछती है कि क्या तुम्हें सॉकर पसंद है। नकात्सु कहता है कि प्रो प्लेयर बनना मेरा सपना है। इमाई की कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता था। नकात्सु मिजुकी को वहां से ले जाता है। दोनों हॉस्टल वापस आ जाते हैं। मिजुकी रूम में एंट्री लेते ही शॉक हो जाती है क्योंकि सानो वही कुकीज खाता रहता है जो वह सानो के लिए एज अ गुड बाय गिफ्ट छोड़कर गई थी। वह पूछती है कि इसके अंदर एक लेटर था, वह कहाँ है। सानो चेक करता है। मिजुकी उससे लेटर लेकर खा जाती है और पूछती है कि कुकीज कैसी लगी। सानो उन्हें बेकार बताता है और कहता है कि कौन लड़का कुकीज बनाता है। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स को हॉल में बुलाया जाता है। डायरेक्टर उनके लिए एक कॉन्टेस्ट लेकर आता है जिसका नाम है कैप्चर द फ्लैग बैटल एट द पूल, मतलब पूल से जो टीम सबसे पहले फ्लैग उठाएगी वही विनर होगी और विनर को 1 साल के लिए एक फेमस डिश फ्री मिलेगी। सब कहते रहते हैं कि हम ही जीतेंगे। नेक्स्ट डे मिजुकी डॉक्टर को बताती है कि सानो ने मुझे जाने से रोक लिया। डॉक्टर कहता है कि अब डिसाइड करो, अपनी स्टडीज पर फोकस करना है या अपनी लव स्टोरी पर। तभी नैनबा वहाँ ट्रीटमेंट कराने आता है क्योंकि एक लड़की ने उसे हिट किया था। नैनबा उन्हें बताता है कि आज मैं एक लड़की से मिला था, उसके गोल्डन हेयर थे और वह डेयरिंग भी थी और बहुत ज्यादा क्यूट भी। डॉक्टर उसे हिट करता है। नैनबा कहता है कि मुझे उससे दोबारा मिलना है। रात को नकात्सु अपने रूम में सोता रहता है, तभी उसकी ब्लैंकेट मूव करने लगती है और कुछ आवाजें भी आने लगती हैं। नकात्सु चिल्ला देता है, सब वहां आ जाते हैं। नकात्सु उन्हें बताता है कि पता नहीं यहां कौन है और कुछ बोल भी रहा है। वे सब भी डर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आवाज आई थी। नकात्सु उसी की तरह एक्टिंग करके बता देता है, उसमें सानो का नाम भी होता है। नकाओ कहते हैं कि ये तो सानो का नाम बन गया, कोई इसे बुला कर लाओ। मिजुकी चली जाती है। नैनबा डरते डरते चेक करता है तो वहाँ वही लड़की होती है और नैनबा को फिर से हिट कर देती है। सैकिमे उसे क्यूट बताता है तो नकाओ उसे हिट कर देता है।
नकाचु पूछता है कि तुम अंदर कैसे आई। वह बताती है कि ऊपर वाली विंडो से, और ऐसा करना अमेरिका में कॉमन है। दोनों की आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। मिजू किसानों को लेकर आ जाती है। मिजू की उसे जूलिया बुलाती है, जो अमेरिका में उसकी फ्रेंड है। वह सानो को देखकर कहती है कि क्या तुम ही सानो इजुमी हो। सानो कहता है कि हूँ, तो क्या। नैनबा पूछता है कि तुम्हारा और मिजुकी का क्या रिलेशन है। वह कुछ सोचती है और कह देती है कि हम लवर्स हैं। सब शॉक हो जाते हैं और चिल्ला देते हैं। सानो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जूलिया कहती है कि तुमने कहा था जब सानो जंप कर लेगा तो तुम वापस अमेरिका आ जाओगी, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मिजुकी शॉक हो जाती है। जूलिया कहती है कि सानो को लगता है कि तुम एक बॉय हो, तो वह तुमसे प्यार क्यों करेगा। मुझे पता है तुम उसके पास रहना चाहती हो, पर इससे कुछ नहीं होने वाला। तभी उसे एक आइडिया आता है। दोनों सानो के पास आती हैं। मिजुकी जूलिया को उससे इंट्रोड्यूस कराती है। जूलिया कहती है कि मैं मिजुकी की गर्लफ्रेंड हूँ, पर सानो को तो पहले से पता है कि मिजुकी एक लड़की है, तो वह बस ओके बोल देता है। नकात्सु जूलिया और मिजुकी को साथ में देखकर गुस्सा करता है। तभी नानबा बोलता हुआ आता है कि ओ माय जूलिया। नकात्सु पूछता है कि क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया। वह हाँ कर देता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। नकात्सु कहता है कि ये तो अच्छी बात है, और दोनों खुश हो जाते हैं। मिजुकी कहती है कि क्या सानो के सामने कपल की एक्टिंग करना ठीक होगा। जूलिया कहती है कि अगर ये जेलस हुआ तो समझो तुम में इंटरेस्टेड है। दोनों वहीं बैठ जाती हैं और कपल की एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। सानो ने देखता है। मिजुकी पूछती है कि क्या तुम जेलस हो। सानो कहता है कि वह टॉवल मेरा था। जूलिया उसे सॉरी बोलती है। सानो फिर से उसे देखता है। मिजुकी कहती है कि तुम जेलस ही हो। सानो कह देता है कि ये बॉटल भी मेरी है, और उठकर चला जाता है। ऑस्कर अपनी टीम से कहता है कि गेम जीतने के लिए हमें अपना ब्रेन यूज करना है। हम फ्लैग को वायर से कनेक्ट कर देंगे, और यह है ऑस्कर का शॉकिंग प्लान। और डांस स्टार्ट कर देता है और कहता है कि इस तरह फ्लैग को कोई टच नहीं कर पाएगा। बात करते हुए वह फ्लैग को पकड़ लेता है और सबको करंट लग जाता है। टीम वन भी प्रिपरेशन में लगी रहती है। तनोजी उनसे एक्सरसाइज कराता रहता है। सब लोग थक कर गिर जाते हैं। जूलिया कहती है कि सानो तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं है, पता चल गया ना। मिजुकी चुपचाप बैठी रहती है। जूलिया उसके पीछे जाती है। नकात्सु उन्हें देखकर कहता है कि क्या ये तुम्हें फोर्स कर रही है। नैनबा कहता है कि क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया तो मुझे एक चांस मिल जाएगा। जूलिया मना कर देती है। तनोजी उन्हें कॉन्टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। नैनबा कहता है कि मुझे क्लोरीन से एलर्जी है, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मेरी जगह आशिया करेगा, अगर तुम हारे तो जूलिया मेरी। तनोजी मिजुकी से कहता है कि तुम्हारे तो मसल्स ही नहीं है। जूलिया उसके टच करने को हरेसमेंट बताती है। नैनबा कहते हैं कि जब एक लड़का दूसरे लड़के को टच करता है, क्या इसे अमेरिका में हैरेसमेंट कहते हैं। वह हाँ कर देती है। सब शॉक हो जाते हैं। नैनबा कहते हैं कि तुम मुझे हैरेस कर सकती हो। जूलिया कहती है कि मुझे बस मिजुकी पसंद है। नकात्सु को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। ऑस्कर आकर उसे हाय बोलता है, और कुछ सोचकर फिर से हाय बोल देता है। सब उसे देखते हैं, तो वह चुपचाप वापस आ जाता है और रोते हुए फ्लैग टच कर देता है, और उसे शॉक लग जाता है। एक एक करके सब ऑस्कर को टच करते हैं, तो सबको ही करंट लग जाता है। जूलिया उन्हें इडियट बताकर चली जाती है और मिजुकी के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस जू में नहीं छोड़ सकती। समर वेकेशंस ओवर होते ही मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगी। मिजुकी शॉक हो जाती है। अब किंग ऑफ फोर्टीज कॉन्टेस्ट के बाद वाला सीन दिखाते हैं, जहाँ नकात्सु पता लगाता है किसानों को मिजुकी से प्यार कब हुआ, और बताता है कि तुमने जब उसकी बनाई हुई कुकीज खाई थी तब तुम्हें प्यार हुआ था, क्योंकि तुमने उसकी बेकार कुकीज भी खा ली थी। उसके सेटिस्फेक्शन के लिए सानो हाँ कर देता है। कहता है कि मुझे पता था। सानो कहता है कि अगर पता चल गया तो यहाँ से जाओ। नकात्सु अपने आप को फेमस डिटेक्टिव बताकर खुश होता रहता है। सानो के लाइट्स ऑफ करने पर वह बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे तो वे कुकीज खाने को मिली ही नहीं, और नोटिस बोर्ड पर किंग ऑफ हॉटीज का विनर चेक करता है, जो है यूजीरो। उसके बाद नकात्सु उसके पास आता है। यूजीरो के साथ उसका बेबी भी होता है। नकात्सु कहता है कि ये कब हुआ। फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। मिजुकी कहती है कि अब क्या करूं, जूलिया मुझे वापस ले जाएगी। सानो आकर पूछता है कि क्या तुमने फिर से कुकीज बनाई। वह हाँ कर देती है और कहती है कि अभी तक खाई नहीं। सानो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ क्यों नहीं खाई। सैकी में आकर बताता है कि यूजीरो की तबीयत ठीक नहीं है। नैनबा आकर पूछता है कि कौन ठीक नहीं है। नकाओ आकर कहता है कि शायद इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। दूसरा एम्बुलेंस बनकर वहाँ आता है। काशियामा कहता है कि इसका ऑपरेशन होगा, रिलेटिव को इन्फॉर्मेशन दे दो। सब कहते रहते हैं कि इसकी तो वाइफ ही नहीं है, हम इसे बिना शादी किए मरने नहीं देंगे, और चीयर करते रहते हैं। उसके बाद यूजीरो की शादी दिखाते हैं। वहाँ होती है नकात्सु की मम्मी। नकात्सु पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। ऑस्कर बताता है कि बस तुम्हारी फैमिली में ही एक फीमेल डॉग थी। नकात्सु कहता है कि मुझे तो बताना चाहिए था, और अपनी मॉम को घर वापस जाने के लिए कहता है, और बताता है कि मैं अभी सॉकर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
ग्रेजुएशन के बाद मुझे प्रो प्लेयर बनना है। उसकी मम्मी कहती है कि ये सब भूल जाओ, तुम्हें अपने डैड की कंपनी का बिजनेस ही आगे बढ़ाना है। नकात्सु उनकी बात नहीं मानता, तभी यूजीरो फीमेल डॉग की ड्रेस खराब कर देता है। उसकी मम्मी गुस्सा करती है कि ये ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव थी, अब तुम लोग ही बिल पे करोगे। सब शौक हो जाते हैं, वे उसे वहाँ से ले जाती हैं। सब कहते हैं कि कौन पे करेगा। ऑस्कर कहता है कि टीम वन ही यूजीरो की शादी कराना चाहती थी तो वही पे करेगी। तनुजी कहता है कि टीम टू यूजीरो को यहाँ लेकर आई थी। नैनबा कहते हैं कि नकात्सु की मम्मी को टीम थ्री ने ही कॉन्टेक्ट किया था। तीनों आर्ग्यू करते रहते हैं। नैनबा कहते हैं कि जो कॉन्टेस्ट जीतेगा वही पे करेगा। सब मान जाते हैं, आज है कॉन्टेस्ट। जूलिया भी वहाँ आती है, नैनबा आकर उसके पीछे ही बैठ जाता है। सबसे पहले एंट्री होती है टीम वन की, वे आकर एक परफॉर्मेंस देते हैं। अब होती है टीम टू की एंट्री, वे भी आकर अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। अब टर्न है टीम थ्री का, वे भी अपने परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। सब टीम कॉन्टेस्ट के लिए रेडी हो जाती हैं। डायरेक्टर अकीरा से स्पीच देने के लिए कहता है। अकीरा अनाउंस कर देती है कि जो प्लेयर जीतेगा वह जिसे चाहे उसे किस कर सकता है। डायरेक्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अकीरा कहती है कि तभी तो कॉम्पिटिशन में मजा आएगा। डायरेक्टर मिजुकी को कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। मिजुकी कह देती है कि मेरा स्विम सूट खो गया। तनुजी कहता है कि मेरा स्विम सूट ले लो। निकात्सु मना करता है और कहता है कि मुझे पता था ऐसा होगा, इसीलिए मैंने पहले ही अरेंज कर लिया था। मिजुकी पहनने से मना कर देती है, वह सैड हो जाता है। सब उसे फोर्स करते हैं और कहते हैं कि लाइफ चेंजिंग शो होने वाला है। जूलिया भी ये सब देखती है, मिजुकी उन्हें रोकती रहती है।